राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। एंड मेरा नाम है वेदांश वल्लभ, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम आपको बताने वाले हैं मकर राशि वालों का नवंबर का महीना कैसा जाने वाला है। बहुत अच्छी तरीके से डीपली हम इसको समझेंगे। मैंने इसको ड्रॉ भी कर रखा है आपके लिए। तो मैं एक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज बनाने वाला हूँ जिसमें आपको डीपली सब कुछ पता चलेगा कि एस्ट्रोलॉजी का चार्ट कैसे वर्क करता है, कैसे रीड किया जाता है। अभी हम सिंपल चलते हैं, सिंपल बेसिस पे चलते हैं। तो मकर राशि वालों का नवंबर का महीना कैसा जाने वाला है? मकर राशि वालों का जो धन का प्लेनेट है अपने खुद के राशि में बैठा हुआ है, मुझे तो यहाँ पर लग रहा है कि काफ़ी समय से आपकी धन की स्थिति तो सुधरी हुई है, लेकिन शनि वक्री हो रखा है इस समय। तो कुछ अड़चन, कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन ये जो शनि का जो वक्रत्व है ये नवंबर के एंड तक तो चलेगा, लेकिन धन की स्थिति आप लोगों का नवंबर के महीने में एक स्टेबल सी दिख रही है। चेंज ज़्यादा नहीं लग रहा, जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। और अगर मैं इनकम की बात करता हूँ तो इनकम का जो प्लेनेट है मकर से, इनकम का प्लेनेट भी थोड़ा सा अभी ऐसी स्थिति में है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं है, लेकिन आफ्टर द 7th ऑफ नवंबर आप सभी का इनकम की स्थिति भी सुधरेगी। मेरे को अल्टीमेटली मकर राशि वालों का कुछ अच्छा योग, चमत्कारी योग, धन का योग अच्छा दिख रहा है। आपको नवंबर के महीने में अप्रेजर मिल सकते हैं, कुछ कैश इकट्ठा हो सकता है, कुछ इनकम इंक्रीज हो सकती है अगर आप बिजनेस करते हैं तो। आप सभी के लिए नवंबर का महीना लिटरली बहुत अच्छा है। अभी मैं देखता हूँ मकर राशि से 10th हाउस प्रोफेशन, प्रोफेशन का प्लेनेट नीच का होने वाला है 3 तारीख के बाद, और साथ में मकर से 4th गुरु मंगल। तो मंगल भी अभी 15 7 तारीख के बाद थोड़ा ठीक होगा। जितना मैं देख पा रहा हूँ आपके कुंडली में, सिंपल हम रखते हैं, तो आप सभी को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप सभी के इनकम बहुत अच्छी रहेगी, सेविंग अच्छा रहेगा, लेकिन हार्डवर्क, फिजिकली हार्डवर्क बहुत रहेगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और शुक्र का नियमित तरीके से आपको रेमेडीज करनी है, उपाय करना है। और यहाँ पर बाकी स्थिति ठीक लग रही है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप के लिए मकर से 10th हाउस 7th हाउस में चंद्रमा की राशि आ रही है, और चंद्रमा तो आप सभी जानते हैं चलायमान प्लेनेट है, टिकता नहीं है, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कोई भी मैलिफिक आस्पेक्ट भी नहीं है, तो रिलेशनशिप में एक ठीक स्थिति लग रही है मुझे। लेकिन वैसे तो देखो चंद्रमा चलायमान है, आप सभी का जितना भी रिलेशनशिप है एक अनस्टेबल तो रहता ही है, लेकिन मुझे तो लग रहा है यहाँ पर आपका रिलेशनशिप अच्छा रहने वाला है इस महीने। और साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप सभी का जो इमोशंस है वो 7th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी आपको अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उनकी बातें माननी है और पार्टनर के साथ समय थोड़ा सा बिताएं। आई होप आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ में आया नवंबर राशिफल के बारे में। स्पेशली हमने यहाँ पर मकर राशि के बारे में बताया है। मकर को कहते हैं कैप्रिकॉन। अगर आप सभी अपनी राशि नहीं जानते हैं तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक कुंडली चार्ट, यहाँ पर आप देखिए अपने किसी भी सॉफ्टवेयर पर आप कुंडली बना लीजिए और वहाँ पर आप देखेंगे कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है। अगर चंद्रमा यहाँ पर आपका मकर राशि में है तो आपकी मकर राशि है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपको अपनी राशि जाननी है, देन आपका जो नवंबर राशि वाला है इस तरीके से वर्क करेगा। और यदि आप अपनी खुद की कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।